नमस्कार, यहाँ पर अगर पुष्पा 2 मूवी की बात करूं तो 4 दिन सिर्फ रिलीजिंग डेट को बचे। भाई 4 दिन में बॉक्स ऑफिस में उतरते गन क्या एक नया इतिहास रचते हुए नजर आएगी पुष्पा 2 मूवी में रसिका मंदाना, अल्लू अर्जुन एक नए किरदार में फिर से हमें समझ में आने वाले हैं और अच्छे कैरेक्टर को हमेशा पेश करने की क्षमता रखते हैं। और जैसे माँ भवानी के रोल में यहाँ पर अल्लू अर्जुन नजर आने वाले, सेम वैसा ही कुछ रोल हमारे सामने है यानी कि रश्मिका मंदाना के भी पेश किया जाएगा। सुकुमार डायरेक्टर ने इस मूवी के लिए 400 करोड़ का अमाउंट फिक्स किया गया था। अगर न्यूज की माने तो यहाँ पर बताया जा रहा मूवी लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है जो कि वर्ल्ड वाइड होगा। एडवांस बुकिंग खुल चुकी है और एडवांस बुकिंग में इसने जो अभी तक कमाई किया, अगर हम बात करूं दिल्ली एनसीआर में लगभग ये 1 करोड़ के ऊपर एडवांस बुकिंग कर चुकी है और मुंबई से भी इसने लगभग ऐसे ही कीजिए। टोटल की अगर बात करूं तो इसने अभी 1,80,00,000 के आसपास टोटल कमाई एडवांस कर चुकी है, जो कि टोटल बॉक्स ऑफिस की अगर बात किया जाए तो यहां पर एडवांस बुकिंग हर जगह 100 में से 80% खुल चुकी है और 20% अभी नहीं खुली है तो वो भी खुल जाएगी। यानी कि जो शोर शराबा देखने को मिल रहा है, अल्लू अर्जुन की एंट्री जो देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। ऐसा ना हो कि एंट्री हमें बिल्कुल धासु दिख जाए और उसके बाद इसका परफॉर्मेंस गिरते हुए नजर आ जाए। मूवी का ब्रांड है, मूवी का लेवल्स है, मूवी के हर एक चीज है, लेकिन मूवी से बड़ी उम्मीदें करने की कोशिश करने वाले कभी क्या मात खाते हुए नजर आ सकते हैं मूवी से। ऐसा होना नहीं चाहिए। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, पुष्पा 2 मूवी से क्या 1200 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब हो सकती है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो।